नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच की पैरोकारी के बाद से ही महाराष्ट्र सरकार और पुलिस इसके खिलाफ मोर्चेबंदी कर रही है। मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है और उच्चतम न्यायालय में इस पर सुनवाई लगातार जारी है और इस मामले की जांच सीबीआई करेगी या मुंबई पुलिस, इस पर अभी फैसला आना बाकी है। और इस केस में आरोपी रिया ने अपने हलफनामे में क्या क्या कहा, चलिए आपको दिखाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के केस में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के सदस्यों से ईडी की पूछताछ जारी है और इस मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। सुशांत सिंह राजपूत केस में आरोपी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने पटना में दर्ज एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर कराने की मांग की है। हालांकि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट को केंद्र ने बताया था कि बिहार सरकार की सिफारिश को उसने मान लिया है और मामला सीबीआई को दे दिया, मगर महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई जांच का विरोध किया था, जिसके चलते आज सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि आखिर मामले की जांच कौन करेगा। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती ने अपने हलफनामे में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए नीतीश कुमार को दोषी ठहराया है। रिया चक्रवर्ती ने यह भी कहा कि चुनाव से ठीक पहले ये दुखद घटना हुई, इस वजह से इस मामले को बड़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अतिरिक्त हलफनामे में ये भी कहा है कि राजपूत की मौत के मामले में कुछ साबित होने से पहले ही मीडिया ने उन्हें दोषी ठहरा दिया है। रिया ने हलफनामे में दावा किया है कि बिहार पुलिस द्वारा इस मामले की जांच सीबीआई को देना गैर कानूनी और कानून की नजरों में गलत है। रिया के सीबीआई जांच के विरोध करने पर बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि रिया ने तो गृह मंत्री को लिखकर खुद ही सीबीआई जांच की मांग की थी, अब रिया और महाराष्ट्र सरकार दोनों सीबीआई जांच का विरोध कर रहे हैं। इन सब से तो अब हम लोग पूरी तरह आश्वस्त हो चुके हैं कि दाल में जरूर कुछ काला है। तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत का रहस्य लगातार गहराता जा रहा है और सुशांत सिंह किस साजिश का शिकार हुआ ये पूरा देश जानना चाहता है और ये माना जा रहा है कि सीबीआई सुशांत की मौत की मिस्ट्री से जल्दी पर्दा उठाएगी। आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।